दोस्तों आज दोबारा आप लोगों की खिदमत में एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज का हमारा वीडियो सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाले तमाम कंपनियों की इंटरनेट वाईफाई मोडेम जैसा कि मोबाइल ईजेन एसटीसी वगैरह है, आप लोग कैसे अपने मोडेम से अपने बच्चों को या आपने अपने हंडीवाल या पड़ोसियों को अपना वाईफाई पासवर्ड दिया है तो आप लोग उन कुछ साइट्स पर आप लोग कैसा उसको बैन कर सकते हो ताकि वो लोग उस साइट का विजिट न करें, या अगर आपके बच्चे हैं आप चाहते हो कि वो लोग प्लान गेम इंस्टॉल न करें या किसी किस्म का वीडियो न देखें या कोई मूवी न देखें, या अगर आपके वाईफाई से कनेक्ट दूसरे लोग हैं और आप भी चाहते हो कि वो लोग इस प्लान नामी साइटों का विजिट न करें न उस साइटों में कुछ देखें जिससे आप भी गुनाहगार होंगे क्योंकि आपने उसको अपने वाईफाई का पासवर्ड दिया है और आप भी चाहते हो कि वो लोग इस साइटों का विजिट न करें, तो आप लोग इस तरीके के ज़रिए जो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा, इससे आप लोग अपने हंडीवाले और बच्चों को उस साइटों से और उस गेम वगैरह को देखने या उसको इंस्टॉल करने से बैन कर सकते हो, वो लोग कभी भी वो साइट ओपन नहीं कर सकेगी। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने अपने गूगल में जाना है और अपने गूगल में आप लोगों ने निकला है। दोस्तों ये मेरे मोडेम का नंबर है, हो सकते हैं आप लोगों की जो मोडेम है उसका नंबर अलग हो, तो अगर आप लोग के साथ इस के ज़रिए नहीं आया तो मैं वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया है, आप लोग डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करें और उस मोडेम की लॉग इन साइट पर चली जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने टाइप करना है 192.168.1.1/ और इसको आप लोगों ने सर्च करना है। तो जैसा दोस्तों आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे जो कि लॉगिन का पेज है। अगर आप लोग उस लिंक पर भी क्लिक करोगे तो आप लोग इधर आओगे। तो इधर दोस्तों आप लोगों ने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों जगह में एडमिन एडमिन लिखना है, या आप लोग अपने मोडेम के पीछे देखे हो सकते हैं उसके ऊपर कुछ और लिखा हो तो आप लोग वो इधर टाइप करें, यूज़र नेम और पासवर्ड को देखे वो आप लोग इधर टाइप करें, यूज़र नेम भी यही टाइप करें और पासवर्ड भी यही टाइप करें, और उसके बाद दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करें। ये नीचे लॉगिन है, इस पर आप लोग क्लिक करें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप लोग मोडेम के होम पे आ जाओगे, यानी आप लोग मोडेम में लॉगिन हो जाओगे। तो दोस्तों इधर आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा जिसमें होम है, इंटरनेट है, होम इन नेटवर्क है और शेयर है। तो आप लोगों ने इंटरनेट पर क्लिक करना है, जैसे कि होम के साथ दूसरे नंबर पर है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसा आप लोग दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, आप लोगों के साथ ओपन हो जाएगा। इधर दोस्तों कुछ ऑप्शन आप लोगों के साथ ओपन हो जाएंगे जिसमें इंटरनेट सेटिंग वगैरह है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों ने वालिदैन पैरेंट कंट्रोल का ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हो दूसरे नंबर पर है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसा आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के साथ ये कुछ नए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। दोस्तों इधर अगर आप लोग नीचे देखो तो इधर लिखे है दोस्तों यूआरएल फिल्टर, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के साथ एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा, न्यू यूआरएल फिल्टर, इस प्लस के निशान पर आप लोगों ने क्लिक करना है। और दोस्तों जो साइट आप लोग ब्लॉक करना चाहते हैं उसका यूआरएल लिंक आप लोग उधर से कॉपी करें और इधर यूआरएल टू ब्लॉक इसमें पेस्ट करें, और उसके बाद दोस्तों आप लोग सेव पर क्लिक करें। इसी तरह दोस्तों कोई भी आदमी वो यूआरएल जो आप लोगों ने इधर पेस्ट किया वो आपके वाईफाई से कोई ओपन नहीं कर सकेगा, उसका विजिट नहीं कर सकेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग कुछ मखसूस मोबाइलों को मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को बैन करना चाहते हो कि वो लोग उस मस्कूरा साइटों का विजिट न करें तो आप लोगों ने मैन्युअली स्पेसिफाई डिवाइस पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने ढूंढना है जो भी मोबाइल आप लोग उस साइटों से बंद करना चाहते हो, आप लोग इस पर क्लिक करें, उसका नंबर उसका नाम ढूँढ रहे उस पर सेलेक्ट करें और उसके बाद आप लोग सेव पर क्लिक करें। तो इसी तरह आपके बच्चे या आपके हंडीवाल उन साइटों का विजिट नहीं कर सकेंगे जब तक आप उसको ओपन नहीं करोगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम।